चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज। आइए करते हैं खबरें फटाफट की शुरुआत बिहार की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बिहार में मिले कोरोना के 1421 नए मरीज, राज्य में पहुंचा आंकड़ा 156,866। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी कर दी गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1421 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 156,866 हो गई है। बिहार में फिलहाल 16,610 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षा 1 अक्टूबर से 1.5 घंटे पहले आना होगा केंद्र पर व घोषणा पत्र भरने के बाद मिलेगी एंट्री। 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे पॉलिटेक्निक कॉलेज की परीक्षाओं के लिए छात्रों को परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। तभी छात्रों को मास्क, ग्लव्स व हैंड सैनिटाइजर अपना लेकर आना है। इसके बाद ही परीक्षा हॉल में प्रवेश मिलेगा। तेजस्वी का तंज, बिहार में पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाएं, 24 साल से उधार के चेहरे से काम चला रहे। बिहार विधानसभा चुनाव को मध्य में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत की है। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पटना से शुरू कर दिया गया है। वहीं अब राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेता तेजस्वी यादव ने अभियान को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बीजेपी 24 साल से उधार के चेहरे पर निर्भर है, पहले खुद आत्मनिर्भर हो जाए, उसके बाद बिहार के लिए इस दिशा में काम करें। रघुवंश प्रसाद सिंह की स्थिति नाजुक रखा गया वेंटिलेटर सपोर्ट पर। RJD से इस्तीफा देने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत और खराब हो गई है। ICU में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह को शुक्रवार की देर रात से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। बीजेपी में चुनाव से पहले फसाद, कार्यकर्ताओं ने नड्डा का रास्ता रोका, नागेंद्र जी से भिड़े। बिहार में पार्टी के चुनाव मिशन की शुरुआत करने आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को विरोध का सामना करना पड़ा है। प्रदेश कार्यालय में आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत करने के बाद जेपी नड्डा जैसे ही बाहर निकलने लगे, बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोक लिया। थोड़ी देर के लिए वहां अफरातफरी मच गई। नाराज कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी के सामने ही लेट गए। कार्यकर्ताओं ने इस विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बीच पहुंचे पार्टी के संगठन मंत्री नागेंद्र जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस दौरान नागेंद्र जी के साथ भी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। जिस वक्त यह पूरा हंगामा चल रहा था, उस वक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित बीजेपी के अन्य नेता भी वहां मौजूद थे। मिथिला वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात, नवंबर से दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू, 30 सितंबर से होगी बुकिंग। जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा इसका रास्ता। शनिवार को पूरी तरह साफ हो गया है, तय हो गया है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह से दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान भरने लगेगा। यहां से दरभंगा दिल्ली, दरभंगा बेंगलुरु व दरभंगा मुंबई के लिए उड़ान चालू होगी। इसके तहत 30 सितंबर से पहले बुकिंग भी प्रारंभ हो जाएगी। छठ के पर्व में लोग अब हवाई जहाज से ही दरभंगा आएंगे और जा भी सकेंगे। अनुराधा पौडवाल के बेटे का निधन, 35 साल के उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। साल 2020 अब तक बॉलीवुड के लिए बेहद ही दुखद रहा है। अभी यह साल पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन अब तक कई सितारों को हमसे दूर लेकर चला गया है। इन सब के बीच मनोरंजन जगत से एक और बुरी खबर सामने आई। सिंगर अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का निधन हो गया। अच्छी खबर, सहरसा के आरन में अब मोरों का होगा संरक्षण, प्रस्ताव को वन विभाग ने दी स्वीकृति। बिहार के सहरसा जिले के आरन गांव में मोर के संरक्षण एवं पुनर्वास पर वन विभाग 9,76,000 रुपए राशि खर्च करेगा। आरन गांव में मोर के संरक्षण और पुनर्वास के लिए वन प्रमंडल सहरसा के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य वन प्रतिपालक पटना ने स्वीकृति दे दी है। कोरोना के चलते भागलपुर से बंद विक्रमशिला एक्सप्रेस करीब 5.5 महीने बाद खुली। करीब 5.5 महीने बाद एक बार फिर से विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर से आनंद विहार के लिए शनिवार को चल पड़ी। खास बात यह रही कि बिना रिजर्वेशन वाले एक भी यात्री इसमें नहीं थे। ट्रेन के खुलने के दौरान यहां सभी अधिकारी और लोग इस कदर खड़े थे जैसे यह ट्रेन पहली बार खुली हो।
बेगूसराय में पुलिस वालों की गुंडागर्दी, पहले कार में मारी टक्कर फिर ड्राइवर को जमकर पीटा। बेगूसराय में खगड़िया के पुलिसकर्मी का गुंडागर्दी उस वक्त देखने को मिला जब एक कार चालक की पुलिस वालों ने जमकर पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी की पिटाई से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। चालक की पिटाई देख स्थानीय लोग नाराज हो गए और पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला लाखो थाना क्षेत्र के खातोपुरा NH 31 के समीप की है। वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला, गाड़ी में किया तोड़फोड़। पुलिस वारंटी को पकड़ने गई थी, इस दौरान ही ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। घंटों पुलिसकर्मियों को बंधक बनाए रखा। यही नहीं, पुलिस की गाड़ी तक को सड़क पर पलट दिया गया और तोड़फोड़ कर दी। यह घटना मानसी थाना क्षेत्र के अमनी गाँव की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जो की ताकत, नवगछिया के रंगरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूके देकर किया स्वागत। भागलपुर के नौगछिया में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने ताकत जोगनी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह नौगछिया पुलिस जिला पहुंचे। नौगछिया कटिहार सीमा पर रंगरा के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अररिया में दाह संस्कार में शामिल होने जा रहे 35 लोगों से भरी नाव परमान नदी में पलटी। दरिया में अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे 35 यात्रियों से भरी नाव अचानक अनियंत्रित होकर परमान नदी में पलट गई। हादसा अररिया जिले के सदर प्रखंड होकर बहने वाली परमान नदी के कमटा महिषाकोल घाट पर शनिवार को हुआ। ग्रामीणों के सहयोग से अधिकतर लोगों को नदी से सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, शीशम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043-67-170। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट।